दस्तक देगी जीत वहाँ, जीत ओढ़ मेहनत होगी जहाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं उदय सिंह, मैथ्स गुरु उदय सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अग्निपथ टेस्ट सीरीज के अंतर्गत ATS 11 का पार्ट 5, जिसमें क्वेश्चन नंबर 101 से लेके 125 तक के प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। चलिए स्टार्ट करेंगे आज के इस बेहतरीन सेशन को। उससे पहले आपके लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यहाँ पे वैल्यू दी गई है हमको किसकी, कॉस एक्स, कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी की। देखिएगा, अब मान लीजिए हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी, कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी। तो हम पहला तो ट्रायल ये मारेंगे कि हम कोशिश करेंगे कि यह एक राइट इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज से आंसर इसका निकल जाए। अगर मान लीजिए कि हम समबाहु त्रिभुज में कंडीशन लेके चल रहे हैं तो क्या होगा, ए बी सी सबकी जगह पे हमको क्या रखना होगा, 60 अंश रखना होगा। रखिए भाई, रखेंगे तो आपको पता है कि साइन 60 ये क्या हो जाएगा, 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, यानी कि इन सभी की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 3/2। अच्छा, देखिए 4 sin A/2 sin B/2 sin C/2। तो हमें एक बात तो पता है, तो ये हो जाएगा हमारा 4, ठीक है, इंटू हो गया sin A/2 60 रखेंगे, 30 30 30, यानी कि 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। तो भाई ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, मामला बचा सिर्फ 1/2 आ गया, ठीक है, 1/2 आ गया। अब हमें पता है कि भाई 3/2 कहाँ से आएगा, देखो यहाँ से तो 3/2 नहीं आएगा, है ना, क्योंकि हमें पता है कि cos 30 sin 30 cos 30 रखेंगे 3/√3 में कुछ मामला बनेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए sin A/2 sin B/2 sin C/2 इसकी पूरे की वैल्यू हम अभी निकाल चुके हैं, कितनी आई है, इसकी वैल्यू आई है 1/2, और इसके साथ में क्या है, 1, इसका मतलब कितना हो गया, 1 + 1/2, यानी कि कितना आ जाएगा, 3/2, यानी कि जो 101 है उसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से भी देखो 3/2 आ रहा है, यहाँ से भी 3/2 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि रेंज ऑफ सेक इनवर्स एक्स, तो 0 से π तक के में सिर्फ एंगल हटा दीजिए, क्या π/2 90 अंश को हटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 0 to π, 0 से π तक, बस उसमें क्या चाहिए, 90 डिग्री नहीं चाहिए हमको, है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 102 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलेंगे प्रश्न नंबर 103 की तरफ। प्रश्न नंबर 103 में हमसे कह रहा है कि tan θ - √3 √2 sin θ = एक काम करते हैं, हम इसको साइन और कॉस में ही चेंज कर देते हैं, है ना, पूरे को आप क्या करिए, साइन और कॉस में चेंज कर दीजिए। देखिएगा यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा, भाई टेन थीटा को लिखिए sin θ / cos θ, साइन थीटा माइनस का √2। देखिए एलसीएम में यहाँ भी 1 cos θ हो जाएगा, एलसीएम में cos थीटा आएगा, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आ जाएगा √3 cos θ, सबको इधर उठा लो, ये आ जाएगा इसके बाद में साइन थीटा माइनस का √3 cos θ = आ जाएगा √2, है ना। एक काम करेंगे, दोनों ओर साइन थीटा और कॉस थीटा के जो गुणांक हैं उनका वर्ग करके रूट लेके डिवाइड कर देंगे, तो देखिएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 1 + √3 का² 3 हो जाएगा, और इनका दोनों का वर्ग लेंगे 2 आ जाएगा, है ना भाई, वर्गमूल लेंगे 2 आ जाएगा, 1/2 2/2, ये भी हो गया पूरा। एक काम करेंगे, देखिए अब इसे हम लिख सकते हैं, इसे आप रहने दीजिए साइन थीटा और कॉस में देखिए किसका मान होता है, 1/2 60 का मतलब कितना हो गया, π/3 माइनस, और ये क्या है, ये है sin π/3 का मान, √3/2 क्या होता है, sin π/3 का मान, और इंटू में क्या हो गया हमारा, कॉस थीटा, ये कितना हो गया भाई, √2/2, तो काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/√2, 1/√2 का मतलब कितना हो गया, π/4 sin π/4। अब देखिए इधर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा sin A cos B माइनस cos A sin B, यानी कि बन गया sin A - B = कितना हो गया, ये sin π/4, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम निकालेंगे θ - π/3 = तो कितना आ जाएगा, nπ + −1 n, और ये हो जाएगा π/4, यही होता है भाई, sin θ = sin α जब होता है तो व्यापक मान क्या होता है, nπ + −1 n α, है ना, तो अल्फा की जगह कितना, π/4। तो यहाँ से अगर हम थीटा निकालेंगे तो θ = कितना आ जाएगा, एक तो आ जाएगा nπ + आ जाएगा ये −1 n,
पाई बाई फोर और ये आ जाएगा आगे प्लस का पाई बाई थ्री, है ना। तो भाई क्या चाहिए हमको, कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, सी वाला ऑप्शन सही हो रहा है, एन पाई माइनस वन एन पाई बाई फोर, हाँ सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 103 का जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ, देखिएगा एक बेहतरीन क्वेश्चन है ये, कह रहा है कि कॉस अल्फा है, देखो पहले ये अल्फा है फिर यहाँ पे क्या है 4 अल्फा होगा, मतलब कि ये यहाँ पे 2 पाई बाई 7 है, यहाँ पे 4 पाई बाई 7 है, मतलब कि इसमें 2 पाई बाई 7 और जुड़ गया है। और आगे वाले में देखो इसी 2 पाई बाई 7 में और जुड़ गया है कितना 2 यानी कि 4 पाई बाई 7, मतलब कि ये सिचुएशन कुछ ऐसी बन रही है क्या भाई, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस, और इसके आगे हो जाएगा फिर से कॉस में अल्फा प्लस 2 बीटा, है ना। ऐसी सिचुएशन बनती जा रही एन टर्म्स तक, अगर ऐसा मामला एन टर्म्स तक होता तो इसके लिए सिंपल सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे हमेशा। देखिए जब यहाँ पे हमारे पास कॉस है तब क्या करेंगे, यहाँ पे साइन एन बीटा बाई 2, साइन एन बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई 2, ठीक है। और इनटू जब यहाँ पे कॉस है तो यहाँ कॉस आएगा, और यहाँ पे अगर सब जगह साइन साइन होता, साइन के साथ ये सेम हो रहा होता तो यहाँ साइन आता, ये हो गया कॉस में कितना, ये हो जाएगा अल्फा प्लस, अल्फा प्लस एन माइनस वन, अल्फा प्लस हो गया एन माइनस वन हो गया, और इसी के साथ में ले लेंगे बीटा बाई 2 को, ठीक है। ये फार्मूला है, तो देखिएगा यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अल्फा की जगह पर कितना 2 पाई बाई 7, फिर इसमें जुड़ा क्या बीटा, जुड़ गया 2 पाई बाई 7, फिर से जुड़ गया बीटा, और अगली बार अगर हम 2 बीटा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 4 और वहाँ 2 पहले से थे तो 6 हो जाएंगे, है ना। मतलब कि सेम बनता जा रहा है, यहाँ पे देखो ये हमारा अल्फा है, इसके बाद अल्फा को अगर हम अलग कर लें तो इसमें जोड़ा गया है और 2 पाई बाई 7 यानी कि अल्फा प्लस बीटा बन गया, और ये कितना बन गया, ये अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 बीटा मतलब 4 पाई बाई 7, तो ये देखिए 2 बीटा बन गया, मतलब कंडीशन सेम बनती चली जा रही है हमारी। ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा साइन एन का मतलब पदों की संख्या, तो कितने पद हैं हम पद देख रहे हैं, 1, 2, 3 पद हैं, तो ये आ जाएगा 3 इंटू, और यहाँ पे बीटा की जगह पे क्या रखेंगे, बीटा की जगह पे हमारा क्या है 2 पाई बाई 7, तो ये आ जाएगा 2 पाई बाई 7 और इंटू में क्या है हमारे पास 2 है, रहने दीजिए, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा साइन में कितना भाई, बीटा की जगह पे हम रखेंगे 2 पाई बाई 7 इंटू में हमारे पास पहले से 2 है, इंटू में 2 है नीचे, अच्छा यहाँ पे आ जाएगा कॉस अल्फा, अल्फा में हो जाएगा 2 पाई बाई 7 प्लस एन माइनस वन 3 इंटू 2 आ जाएगा, बीटा का मान कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 7 और इंटू में 2 है वहाँ पे, ठीक है। इस 2 से इस 2 को काट दिया जाए, अब इसके बाद इस वाले 2 से इस वाले 2 को काट दिया जाए, इस 2 से इस 2 को काट दिया जाए, बचा क्या मामला, मामला बचा हमारे पास यहाँ पे साइन 3 पाई बाई 7 और इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा इंटू में कॉस 4 पाई बाई 7, ठीक है भाई, डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड बाई आ गया मामला नीचे साइन पाई बाई 7, नीचे हो गया साइन पाई बाई 7। एक छोटा सा काम ये करना है हमको, ऊपर और नीचे 2 से गुणा कर देना, यहाँ भी 2 से गुणा कर देना, यहाँ से भी 2 से गुणा कर देना है, ठीक है। तो ये 1/2 को तो नीचे आप कॉमन लीजिए, साइन पाई बाई 7 को तो आप रहने दीजिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला बन गया, हमको पता है साइन ए प्लस बी बनेगा, तो साइन ए प्लस बी का मतलब 3 पाई प्लस 4 पाई बटे 7, मतलब 7 पाई बटे 7, मतलब कि साइन पाई, ठीक है, प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब कि 3 पाई माइनस 4 पाई, तो माइनस का पाई हो गया और बटा 7, है ना, डिवाइडेड बाई कुछ है ही नहीं मेरे पास पहले से ही, चलिए 1/2 इसे यही रहने दीजिए, यही रहने दीजिए साइन पाई बाई 7, अब हमको पता है इसका मान हो जाएगा 0 और ये कितना हो जाएगा माइनस का साइन पाई बाई 7, मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेशन के दौरान तो ये हो जाएगा 1/2 और साइन पाई बाई 7 से पाई, भाई ये तो 0 हो गया, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये माइनस में आ जाएगा, और साइन पाई बाई 7 से कॉस साइन पाई बाई 7 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना, 2 इंटू साइन, ठीक है, पाई बाई 7 ही तो बचेगा, कितना हो जाएगा ये, हाँ
टू इंटू साइन ए प्लस बी और टू साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस हो जाएगा साइन ए माइनस बी साइन ए माइनस बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कैलकुलेट किया हमने, ये कितना आ गया भाई, कैलकुलेशन के बाद ये हो गया हमारे पास, इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, माइनस का एक बटे दो आ जाएगा भाई, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। देखो साइन पाई बाई सेवन साइन पाई बाई सेवन माइनस था, इसको माइनस हमने निकाल लिया कट गया, तो माइनस का एक बटे दो आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया, डी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा 104 का। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है कि अ पर्सन वॉकिंग 20 मीटर टुवर्ड्स अ चिमनी इन अ हॉरिजॉन्टली लाइन। ठीक है, चलो ये मान लेते हैं ये हमारी तरफ चिमनी है, हाँ हॉरिजॉन्टली आदमी जा रहा है। इट बेस ऑब्जर्व दैट द इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन, कह रहा है कि 20 मीटर पहले यहां था, फिर क्या किया वो चिमनी की तरफ गया, कितना 20 मीटर, मान लीजिए कि ये 20 मीटर होगा और ये पॉइंट हमारा बी हो गया। जब गया तो जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन था, पहले जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो कितना था, 30 था, उसके बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना वो कितना हो गया, 45 हो गया। ठीक है, ये कह रहा है द हाइट ऑफ उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब उन्नयन कोण, द हाइट ऑफ चिमनी, हमें चिमनी की हाइट बतानी है। देखिए हमें पता है जब दोनों एंगल इक्वल होते हैं, तो ये दोनों एंगल एक होते हैं, तो भुजाएं दोनों इक्वल होती है, देखो 45 डिग्री जब भी होगा ना ये, तो आपको पता होना चाहिए कि ये भी क्या हो जाएगी, एच हो जाएगी। अरे हम इसमें लगाएंगे टैन 45 लंब बटे आधार 1 मन रखेंगे, मान दोनों बराबर हो जाएंगे, है ना। अब आ जाओ आप बड्डे वाले में, टैन 30 लगा दीजिए यहाँ पे, टैन 30 बराबर क्या हो जाएगा, लंब है एच बटे कर्ण, सॉरी लंब बटे आधार कितना हो जाएगा 20 प्लस एच। टैन का मान आपको पता है, टैन 30 का मान कितना होता है 1/√3, और 1/√3 का जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आ जाएगा 20 प्लस एच बराबर √3 एच, एच को सबको उधर ले जाओ तो ये आ जाएगा 20 बटे कितना √3 माइनस 1 इक्वल टू एच, मल्टीप्लाई करेंगे 20 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 यानी कि 2 आ जाएगा, है ना। तो इसे काट देंगे, ये 10 आ जाएगा, ये हो गया हाइट हमारी। इट मीन्स जो हमारे पास एच आ गया वो कितना आ गया, 10 √3 प्लस 1 मीटर, 10 √3 प्लस 1, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 105 का जो बी ऑप्शन है वो क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, 105 में बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 106, ये तो 105 दो बार आ गया, क्वेश्चन नंबर 106 शायद मिस हो गया है, 106 चलेगा, 106 एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, उसमें हमको ये दिया गया था, हम उसे कर लेते हैं, यहाँ पे छूट गया है लेने में। देखिएगा 106 में वो कह रहा है कि हमको वैल्यू निकालनी है, ऑप्शन दिया उसने कि ये साइन ए माइनस बी बाई टू जो होगा वो किसके बराबर होगा, उसमें कई ऑप्शन दिए हैं, जो करेक्ट ऑप्शन हम उसे ले रहे हैं। एक मान लीजिए उसने ऑप्शन दे रखा है सी दिया था, ठीक है आपने टेस्ट दिया होगा, तो सी ऑप्शन में उसने दिया था कॉस सी बाई टू, कॉस सी बाई टू, और इसके साथ हैं भुजाएं हैं दो एन ए माइनस बी बाई सी। तो हम एक काम ये करते हैं, अगर ये ऑप्शन यही अगर मतलब कि ए माइनस बी बाई टू ले आएगा तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, हमसे पूछा गया कि कौन सा ऑप्शन होगा साइन ए माइनस बी बाई टू जो देगा हमको। ठीक है, देखिए ए की जगह पे हम बी के रखेंगे, ए की जगह हम क्या रख सकते हैं के साइन ए, तो के साइन ए के साइन बी बटे के साइन सी, के ऊपर से कॉमन लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साहब साइन ए माइनस साइन बी नीचे साइन सी, और साथ में इंटू में कौन है हमारे पास कॉस सी बाई टू। ठीक है, अब देखिए साइन ए माइनस साइन बी का हाफ एंगल का फार्मूला, साइन सी माइनस साइन डी वाला फार्मूला लगाया जाए, टू इंटू साइन ए माइनस बी बटा दो इंटू कॉस ए माइनस बी बटा दो, है ना, कितना हो जाएगा साइन सी माइनस साइन डी, ये हो जाएगा माइनस वाला है ना प्लस वाले में, यहाँ पे कॉस होता है, यहाँ पे क्या होता है ये कॉस होता है, और यहाँ पे क्या होता है ये साइन होता है, साइन ए प्लस बी बटा दो। अच्छा, साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला बन गया ये। अब देखिएगा यहाँ कितना हो गया हमारे पास, यहाँ प्लस होता है कॉस ए प्लस बी, और ये होता है हमारे पास साइन ए माइनस बी,
साइन ए माइनस बी। ठीक है भाई, साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला क्या होता है, टू इंटू साइन सी प्लस डी बटे दो इंटू कॉस सी माइनस डी बटे दो, और साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला क्या बन जाएगा, टू इंटू कॉस ए प्लस बी बटे दो इंटू साइन ए माइनस बी बटे दो। अच्छा साइन सी है यहाँ इंटू में हमारे पास है कौन, कॉस सी बाई टू, साइन सी को आप हाफ एंगल में चेंज कर दीजिए, टू इंटू हो जाएगा साइन सी बाई टू और हो जाएगा कॉस सी बाई टू, दोनों को कैंसिल आउट कर दीजिए, दो से दो को काट दीजिए। अब देखिएगा ये कॉस सी ए प्लस बी बटे दो है और इसकी जगह हम रख सकते हैं क्या, नब्बे माइनस सी बाई टू, वो किसके बराबर होगा, साइन सी बाई टू, और साइन सी बाई टू से नीचे वाला साइन सी बाई टू कट जाएगा तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा साइन ए माइनस बी बाई टू। तो सी वाला ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा, छठे का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे भाई साहब 107। क्वेश्चन नंबर 107 में कह रहा है कि a प्लस आई बी इज इक्वल टू इतना है, देन द वैल्यू ऑफ a माइनस बी, कुल मिला के वो क्या कह रहा है हमसे, a और b की वैल्यू को सेपरेट करके वैल्यू निकलवा रहा है, बाद में उनको घटवा दे रहा है ना, मतलब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट उसका हमको अलग करना है। देखते हैं, a प्लस आई बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 3 माइनस का 2i और डिवाइडेड बाई कितना, 7 प्लस का 4i, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 माइनस 4i डिवाइडेड बाई 7 माइनस 4i। ठीक है, 3 के अंदर गुणा किया जाए, 3 सत्ते 21, माइनस का हो जाएगा 12i और माइनस का हो जाएगा 7 दूनी 14i और प्लस का हो जाएगा 8, चूंकि i स्क्वायर आ जाएगा i गुणे i, तो ये हमारे पास फिर से माइनस का 8 बन जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई अब कितना आ गया, ये हो गया नीचे देखिए 49 प्लस 16, 49 प्लस 16 भाई ये हो जाएगा 16 आई स्क्वायर, माइनस में रहेंगे आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस में रखेंगे तो 16 और 49 हो जाएंगे, इन दोनों को फिर से क्या करिए ऐड किया जाए, है ना। ठीक है, ये हो गया हमारा 4 दुनी 8 और माइनस का 8 हो गया, 21 में 8 को घटा दिया जाए, ठीक है, मतलब कि कितना बचा यहाँ पे 13 हो गया माइनस, और ये कितना हो जाएंगे 26 आई डिवाइडेड बाई, इनको ऐड करेंगे तो आएगा 65, ऊपर से 13 कॉमन लेके हटा दिया जाए तो 13 पचे 65, 13/65 लिखेंगे तो 1/5 आ जाएगा माइनस, 26/65 लिखेंगे 2/5 आ जाएगा। अच्छा अब यहाँ पे देखिएगा, कंपेयर करेंगे अगर आप तो आप पाएंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करने पे a बराबर आप 1/2 पाएंगे और b बराबर माइनस का 2/5 पाएंगे, a बराबर 1/5, b बराबर माइनस 2/5, और हमको वैल्यू किसकी निकालनी, वैल्यू निकालनी a माइनस b की, a का वैल्यू कितना है 1/5 माइनस माइनस का 2/5 कितना आ जाएगा, 1/5 प्लस 2/5 कितना आवेगा 3/5, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 107 में सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालनी है हमको, जरूर निकालेंगे, देखिएगा ये क्या कह रहा है, 2 प्लस आई डिवाइडेड बाई, देखिए 1 प्लस आई 1 माइनस 2i है तो हम इनका मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं फिर इसके बारे में बाद में सोच पाएंगे, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगा 1 माइनस का 2i, अब i का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का i और कितना माइनस माइनस i स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2i स्क्वायर आएगा तो ये प्लस का 2 बन जाएगा, है ना, ये कितना आ जाएगा 2 प्लस i डिवाइडेड बाई कितना 3 माइनस का i, ऊपर नीचे कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर की तो ये आ जाएगा 3 प्लस आई और ये 3 प्लस आई मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ऊपर कितना हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 प्लस 2 आई आएगा और प्लस में आ जाएगा हमारे पास 6 प्लस 2 आई, ठीक है यहाँ पे माइनस का आई बचेगा, हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, समझते हैं, तो 6 प्लस 2 आई फिर आई का मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 3 आई और आई स्क्वायर हो जाएगा आई इंटू आई, ये माइनस का 1 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा इधर 9 प्लस 1 कितना आ जाएगा भाई 6 में 1 गए 5, 5 प्लस 5 आई डिवाइडेड बाई कितना 10, 1/2 प्लस आई बाई 2 है ना, कितना आ गया 1/2 प्लस आई बटे 2, 1/2 प्लस आई बटे 2, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है,
चलिएगा। क्वेश्चन नंबर हम देख रहे हैं 108 का ए ऑप्शन जो है करेक्ट आ रहा है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 में कह रहा है कि 3√z। देखिए हमें क्यूब रूट निकालना है, मतलब कि वो ऑप्शन यहां पे पकड़ते हैं जो हमको अगर हम उसका क्यूब कर दें उन सभी ऑप्शनों का और वो माइनस का 8i दे दे तो हम बाई ऑप्शन 1 लेते हैं, बाई ऑप्शन ए। पहला ऑप्शन देखिए हमने किया क्या 2i की पावर 3, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 और i की पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस का i हैं, तो कितना आ गया माइनस का 8i, मतलब इसने तो दे दिया अपना काम, इसने तो कर दिया। आगे देखिए आगे क्या है, माइनस का 3 माइनस का i, तो भाई माइनस के 3 माइनस के i का होल क्यूब करने का मतलब क्या है, एक तो आप माइनस ले लो, सब में माइनस सबको निकाल लो, माइनस सबका बाहर निकालो और माइनस 1 की पावर 3 वो माइनस में आ गया, फिर अंडर रूट 3 इसका क्यूब, इसका क्यूब का मतलब 3√3, ठीक है। फिर प्लस आई क्यूब, आई क्यूब का मतलब हो गया माइनस का आई, फिर प्लस 3√3i × 3+i, ठीक है। ये माइनस को चुपचाप रहने दिया जाए, 3√3 − i। अब देखिए इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे भाई, तो ये √3 √3 9i बन जाएंगे, 9i बन गया। अब देखिए यहाँ पे i² होगा, उसकी वैल्यू माइनस का 1 आ जाएगी, 3√3 आ जाएगा, ये माइनस 1 रखेंगे तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और 9i में 1i घट जाएंगे, 8i आएगा, यानी कि ये माइनस का 8i हो गया। अच्छा मतलब कि दूसरा वाला भी हमको माइनस का 8i दे रहा है, बस एक और ऑप्शन बचा उसे भी चेक कर लिया जाए, है ना। ये क्या है हमारे पास माइनस और √3 − i, इसका भी क्यूब निकाला जाए, इसका क्यूब निकालेंगे तो a क्यूब ये 3√3 हो जाएगा माइनस b क्यूब, तो माइनस माइनस मिला के हो जाएगा प्लस, प्लस 3 यहाँ माइनस होता सूत्र में, माइनस का 3ab√3i और √3 − i मल्टीप्लाई करेंगे, 3√3 + i, माइनस का ये हो जाएगा हमारे पास 9i और माइनस माइनस देखो प्लस होंगे, फिर से वो माइनस कर देगा इसको 3√3, क्योंकि i की पावर 2 की वैल्यू माइनस 1 होती है ना, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये भी आ जाएगा माइनस का 8i। अब आप गौर से देखिए, है ना, गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे ये आदमी यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, और ऐसा कहाँ से हुआ है, पहले वाले ऑप्शन से, है ना। तो 109 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 110 देखेंगे, द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन की हमको सोल्यूशन बतानी है कि क्या होगी, देखिएगा और समझिएगा इस प्रश्न को, आसान है। हमें क्या करना है, लेट कर लेंगे, मान लेंगे, माना z = x + ky उठा के यहां पे रख दिया जाए। देखो मॉड का मतलब होता है कि इसके अंदर रूट लग जाएगा, रूट लग जाएगा और x² + y² हो जाएगा अगर मॉड z निकालेंगे, माइनस x की जगह z की जगह पर रखेंगे क्या, तो ये माइनस का x हो जाएगा, माइनस का iy हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 1 + 2i। अब आप क्या करिए, दोनों ओर रियल और इमेजिनरी पार्ट्स की तुलना कर लीजिए, है ना। रियल और इमेजिनरी अगर आप सेपरेट करेंगे तो आप पाते क्या हैं कि रूट में x² + y² − x = 1 आने वाला है और माइनस का y = 2 आएगा। भाई i के गुणांक इधर देखो, इधर माइनस का y है, उधर क्या है, 2 है, तो ये हो गया। कहने का मतलब ये है कि y की जो वैल्यू आने वाली है वो माइनस की 2 आएगी और y की ये वैल्यू उठा के अगर आप यहाँ रखते हैं, रख दीजिए y की वैल्यू कितनी, −2, तो ये आ जाएगा अंडर रूट में x² − 2 का मतलब होता है, एक काम और कर सकते हैं हम, चलो करना चाहे तो कर दीजिए वहीं पे भी, कोई दिक्कत नहीं। ये रूट है, ये रूट में लिखा हुआ है x², y की जगह पे y² हो जाएगा भाई, तो ये वैल्यू 4 हो जाएगी, बराबर में कितना हो जाएगा ये 1 + x, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो आएगा x² + 4 = 1 + x² + 2x, इन दोनों को कैंसिल आउट कर दीजिए, x बराबर कितना आ जाएगा, घटेगा तो ये आ जाएगा 3/2, है ना। तो अब बताइए z बराबर क्या हो जाएगा, z बराबर हो जाएगा x + iy, हमें z ही तो निकालना है, x कितना हमारा 3/2 + नहीं नहीं माइनस है ना, तो माइनस का 2i हो जाएगा, y का मान -2 है ना, तो माइनस का 2i हो जाएगा। कहाँ पे है 3/2 माइनस का 2i, बिल्कुल हूबहू दर्शन हो रहे हैं, कहाँ पे, ए वाले ऑप्शन में, 110 का जो ए है वो क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साहब, क्वेश्चन नंबर 111।
कह रहा है कि जेड बिलोंग्स सी, कह रहा है जो जेड है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन द इनइक्वालिटी, कह रहा है इनइक्वालिटी, ये इनइक्वालिटी आपसे क्या कहना चाह रही है, अगर जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लेट करेंगे जेड इज इक्वल टू कितना एक्स प्लस आई वाई, लेट कर लिया। अच्छा अब यहाँ पे रखेंगे तो देखिए यहाँ पे मॉडुलस जेड हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा एक्स प्लस आई वाई प्लस आई, एक तो ये हो गया, इज ग्रेटर देन, जहाँ जेड है वहाँ रख दीजिए एक्स प्लस आई वाई और माइनस का आई। अब क्या करिए, मॉड लगा तो दोनों तरफ रूट लगेंगे, रूट लगा तो स्क्वायर भी लगा दीजिए, लगे हाथ स्क्वायर लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, इधर ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ पे वाई प्लस वन होगा, वाई प्लस वन का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा भाई, वाई स्क्वायर प्लस वन प्लस टू आई ग्रेटर देन, फिर इधर मॉड ले रहे हैं बस वर्ग लगा दे रहे हैं, है ना, तो इधर कितना आ जाएगा, रूट के अंदर आएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है वर्ग लगेगा तो रूट हट जाएगा, प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर तो वाई स्क्वायर प्लस वन माइनस का टू वाई, है ना, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, एक से एक कट जाएगा, बाकी इधर ले आओ, चार वाई ग्रेटर देन जीरो, वाई इज ग्रेटर देन जीरो, और वाई क्या है, वाई है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज ग्रेटर देन जीरो, है ना, ट्रू फॉर इमेजिनरी पार्ट ऑफ ग्रेटर देन जीरो, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 111 का डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 112, क्वेश्चन नंबर 112 में कह रहा है कि कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो ये वैल्यू होती है हमारी 1 के बराबर, है ना, तो 112 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 113 में हमें निकालना है वैल्यू किसकी, लॉग 1 प्लस आई की, तो एक बात छोटी सी याद रखना है हमको, इसका एक्सपेंशन याद रखना है एक्स प्लस आई वाई का, वो क्या होता है एक बटे दो, ठीक है, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई टैन इनवर्स वाई बाई एक्स, वाई बटा एक्स, ये ध्यान रखना है। चलिए एक्स की जगह पे वन और वाई की जगह पे वन, है ना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक्स की जगह पे भी वन है, वाई की जगह पे भी वन है, भाई आई का गुणांक है वाई और यहाँ पे आई का गुणांक वन है, यानी कि एक्स बराबर कितना वन है, वाई बराबर वन है, और उठा के रख दिया जाए, ठीक है रखते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग में वन प्लस आई इक्वल टू एक बट्टे दो, देखिए यहाँ पे दोनों की जगह पे अगर वन वन रखेंगे तो टू बन जाएगा, प्लस आई टेन इनवर्स ये वन बन जाएगा, यानी कि ये आने वाला है एक बट्टे दो लॉग टू प्लस आई इंटू पाई बाई फोर, आई पाई बाई फोर प्लस एक बटे दो लॉग टू, कौन सा ऑप्शन सही हो गया भैया, 113 में ऑप्शन सही हुआ सी, है ना। आगे बढ़ते हैं, सब कह रहे द वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल, कह रहे एक ट्राइंगल के वर्टाइसेस हमको दिए गए हैं, देखिएगा आसान सा क्वेश्चन है और इसका हमको एरिया निकालना है, एरिया दिया है 1, -3 और ये क्या है 4, -3 और एक और वर्टाइसेस दिया गया, वर्टेक्स दिया गया है -9, चलिएगा आगे देखते हैं ट्रायंगल का एरिया, हमें पता है कि एरिया बराबर सूत्र क्या होता है, एरिया बराबर होता है एक बट्टे दो, रख लिया हमने। अच्छा पॉइंट्स रखना शुरू करिए, ये एक रखा -3, फिर क्या है 4, -3 है, फिर क्या है -9 और के है, पहले वाले को रिपीट कर दो, रिपीट कर दिया। अच्छा इसका एरिया हमको दिया है 15 दिया है, तो 15 इधर रखें, 15 × 30 हो जाएगा, एरिया कितना दिया है 15, इधर 2 का गुणा कर दो बराबर, इधर आते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करो भाई, ये आ जाएगा -3 प्लस का 4 के प्लस का 27 माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लाई -12 और 9 × 27 क्या करते हैं जोड़ते जाते हैं भाई, ये माइनस का 12 हो जाएगा और ये प्लस के 27 हो जाएंगे और ये प्लस के हो जाएंगे, है ना, कैलकुलेट किया जाए, कैलकुलेट करेंगे उससे पहले कि हिसाब करना पड़ेगा, देखो 27 हैं ये
तीन घटाओ ना मत घटाओ, माइनस का तीन रहने दो, फोर के रहने दो, पंद्रह दूनी तीस होता है ना, पंद्रह दूनी तीस हो जाएगा फोर के, और प्लस का सत्ताईस हो जाएगा, प्लस का बारह हो जाएगा, साइन चेंज होंगे अंदर, माइनस का के हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना भाई, क्या बात है, इसीलिए तो छोड़ रहे थे। देखिएगा इधर माइनस के तीन हैं और ये बारह हैं, प्लस के नौ बचेंगे, चार के में अगर माइनस का के घटाएंगे तो तीन के बचेंगे, इधर तीस में नौ घटाएंगे तो इक्कीस बचेगा, और के बराबर कितना आवेगा सात, के बराबर सात, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 114 में सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 115। फाइंड द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन। अब देखिएगा हम दोनों के बीच का स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल निकालते हैं, पहले हम यहां से प्रवणता निकालेंगे, इसकी प्रवणता अगर आप निकालोगे m1 बराबर आ जाएगा माइनस एक्स का गुणांक, है ना, क्या होता है भाई, माइनस एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक, वाई का गुणांक, ये होता है फार्मूला होता है इसका, है ना। जब भी कभी हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस इक्वल टू जीरो के फॉर्म में रखी होगी लाइन, स्ट्रेट लाइन, तो हम उसकी अगर प्रवणता निकालना चाहते हैं तो माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशियंट ऑफ वाई, तो देखा जाए यहाँ पे एम वन कितना हो जाएगा माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स, ये हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा एक बटे तीन, ठीक है। और यहाँ से आ जाओ एम टू निकालिए, एम टू बराबर क्या हो जाएगा माइनस एक्स, यानी कि माइनस का अंडर रूट तीन बटे माइनस वाई हो जाएगा, वाई का गुणांक माइनस का वन है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये अंडर रूट तीन हो जाएगा प्लस का, है ना। फिर अब यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर आप यहाँ पे करना चाहें क्या एम वन इंटू एम टू, तो ये माइनस का एक बटे अंडर रूट तीन है और ये क्या हो जाएगा अंडर रूट तीन हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे माइनस वन। और जब भी आपको पता दो प्रवणताओं का गुणनफल क्या होता है माइनस वन होता है, तो थीटा बराबर कितना होता है पाई बाई टू, है ना, थीटा बराबर कितना हो जाएगा पाई बाई टू, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 115 का जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 116। कह रहा है कि कंसीडर अ फैमिली ऑफ सर्कल विच आर पासिंग थ्रू द पॉइंट माइनस वन कॉमा वन आर टेंजेंट टू एक्सेस, एक्सेस मतलब टेंजेंट है किस पे, एक्स एक्सेस पे। चलिए अब देखिएगा, ये टेंजेंट है, चलिए हमने बना दिया, कहाँ से पास हो रही है, मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है माइनस वन कॉमा वन, और इसका जो सेंटर है वो है एच कॉमा के, एच कॉमा के। अब चूंकि एक्स अक्ष को ये टच कर रही है, तो देखिए ये इसका जो रेडियस होगा वो के हो जाएगा, रेडियस क्या हो जाएगी के हो जाएगी, है ना। तो हमारे पास अगर हम इसकी इक्वेशन लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, वो इक्वेशन लिख सकते हैं एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर त्रिज्या, देखो त्रिज्या कितनी है के दी गई है, के स्क्वायर दी गई है ना। चलिए कैलकुलेट करते हैं इसको, हल किया जाए इसको। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट को भी पास करवा दो भाई, इसको पास करवा दो, तो जहां एक्स है वहां पे माइनस वन, जहां पे वाई है वहां पे वन रख जाएगा, अगर ये पास होगी भाई, ये लाइन की इक्वेशन है, इसकी सर्कल की इक्वेशन है ये, है ना, ठीक है, रखा जाए इसका, कितना आ जाएगा ये माइनस का वन माइनस का एच का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा वन माइनस के का होल स्क्वायर बराबर में के स्क्वायर। चलिए देखिए ये वन माइनस अगर इससे कॉमन ले लेंगे तो ये वन प्लस एच का होल स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस वन की पावर हो जाएगा टू, वो भी पॉजिटिव ही हो जाएगा, मतलब ये लिखा हुआ वन प्लस एच, तो ये वन प्लस एच का होल स्क्वायर इसे लिख दिया जाए, क्या हो जाएगा ये वन प्लस एच का होल स्क्वायर। हमने क्या किया, माइनस को कॉमन लिया, अब माइनस वन की पावर टू का मतलब क्या, वो पॉजिटिव हो गया पूरा, प्लस इसको ओपन कर दीजिए वन प्लस के स्क्वायर माइनस टू के इक्वल टू कितना के स्क्वायर, के स्क्वायर से के स्क्वायर को काट दिया जाए, है ना, हमने काट दिया। अच्छा अब यहाँ से एक चीज़ हमको मिल चुकी, क्या कि जो वन प्लस एच है का होल स्क्वायर बराबर में कितना आ रहा है टू के माइनस वन। तो एक बात बताइए, एक बात यहाँ से हमको कंसीडर करके चलना है, ये कंसीडर ये करना है कि जो वन प्लस किसी भी संख्या का जो वर्ग होता है वो क्या हो सकता है, हमेशा जीरो से बड़ा होगा या जीरो भी हो सकता है ना। तो किसी भी संख्या का जो वर्ग होगा वो क्या होगा, हमेशा वन प्लस एच का होल स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा जीरो, कभी लेस देन नहीं होगा, हमेशा क्या होगा या तो जीरो के बराबर होगा या फिर क्या होगा जीरो से बड़ा होगा। तो वन प्लस एच की होल स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हो टू के माइनस वन,
रख दीजिए, 2k माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2k ग्रेटर देन इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 116 का बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 117 की तरफ। क्या इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू द थ्रू पॉइंट टचेस द एक्सेस, अच्छा इस एक्सेस को टच भी कर रहा है, क्या बात है। अब देखिए आपको एक सीधी सी बात बता दें, ये है अगर ये कहाँ से पास हो रहा हो, जहाँ से भी पास हो रहा हो डजंट मैटर, लेकिन वो दोनों एक्सेस को टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है और इसको भी टच कर रहा है, अंतःखंड नहीं क्या कर रहा है, टच कर रहा है, ऐसे टच कर रहा है, ठीक है। तो हमें पता है एक सिंपल सी बात, ये पता है कि ये हो जाएगा इसका सेंटर, मान लो ये भाई जितना ये यहाँ से होगा एक वर्ग टाइप का यहाँ बन जाएगा, ये भी क्या होगा a, a होगा, जितनी त्रिज्या होगी और इसकी त्रिज्या भी a होगी और इस सेंटर क्या हो जाएगा a, यानी कि इसका जो इक्वेशन बन के आता है आप इससे निकालेंगे x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो हमें ऐसे सर्कल की जो इक्वेशन आएगी जो इसको टच करता हो, है ना, वो क्या होती है, वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये होती है, ध्यान रखेंगे इसे, है ना। जब भी दोनों एक्सेस को टच कर रहा होगा तो हमेशा इक्वेशन कौन सी यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर, और ए क्या है, रेडियस, ए क्या है इसकी, रेडियस है। अच्छा अब ये पास हो रहा है कहाँ से, ये पास हो रहा है कहाँ से, 3.6 से, तो पास करवा दीजिए इसको 3.6 से, एक ही वैल्यू मिल जाए आपको, एक ही वैल्यू जैसे मिल जाएगी आपको इक्वेशन मिल जाएगी, तो आप यहाँ पे रख दीजिए भाई, यहाँ पे हम पास करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 माइनस 2ax, तो 3 दूनी 6 a हो जाएगा, माइनस का 12 a हो जाएगा, भाई वाई की जगह पर 6 रखेंगे, और प्लस का कितना है ए स्क्वायर इक्वल टू 0, इक्वेशन बन जाएगी ए स्क्वायर माइनस का 18a प्लस 45 इक्वल टू 0, ए स्क्वायर माइनस का 15a माइनस का 3a प्लस का 45 इक्वल टू 0, यानी सी यहाँ पे हमको एक वैल्यू 15 मिलेगी और दूसरी वैल्यू क्या मिलेगी 3, तो 15 वाला तो इक्वेशन नहीं दिया गया है, आप क्या करो एक ही जगह पे 3 रख दीजिए, है ना, क्या करेंगे पुट a इक्वल टू 3 रख दीजिए यहाँ पे 3 जहाँ जहाँ a है, इक्वेशन रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी वो कितनी हो जाएगी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6y और प्लस का कितना एक ही जगह पे 3 है 9 हो जाएगा इक्वल टू 0, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस प्लस का 9, है ना, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 117 में सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे 118। करो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द सर्कल एट द पॉइंट, अच्छा ठीक है बनाते हैं इसकी इक्वेशन को, एक काम छोटा सा ये करना है, पहले हम इसकी टेंजेंट का बनाएंगे, है ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट बना लेते हैं, तो टेंजेंट क्या हो जाएगी, 3 रहेगी और ये हो जाएगा एक्स एक्स वन प्लस, भाई 0.0 पॉइंट पे निकालना है, ओरिजिन पे निकालना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यह जाएगा 3y y1 माइनस 2 को लो कॉमन और इसे लिख दीजिए एक्स प्लस एक्स वन और इस यहाँ से लीजिए माइनस का 3 लीजिए और इसे लिख दीजिए आप वाई प्लस वाई वन, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अच्छा अब आप निकाल दीजिए एट 0.0, एट 0.0 जहाँ जहाँ एक्स वाई हैं वहाँ 0 रख दीजिए, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे आएगा माइनस का 2x वाई, ये भी 0 हो जाएगा, जहाँ पे एक्स वन वाई वन है वहाँ 0 रख दीजिए, एक्स वन वाई वन की जगह पे 0 रख दीजिए, तो ये माइनस का 2x हो जाएगा, अब माइनस का क्या हो जाएगा 3y इक्वल टू 0, यानी कि कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगी 2x प्लस 3y इक्वल टू 0। अच्छा अब हमें क्या निकालना है, इक्वेशन वन की परपेंडिकुलर इक्वेशन निकालिए भाई, हमें क्या नॉर्मल निकालना है, नॉर्मल का मतलब क्या होता है, अभिलंब का समीकरण ही तो निकालना है, तो इसका परपेंडिकुलर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा,
क्या आ जाएगा भाई, परपेंडिकुलर इक्वेशन क्या हो जाएगी, 3x माइनस का 2y इक्वल टू नया कांस्टेंट लेमडा ले लेते हैं, ये इक्वेशन 2 है, ये नॉर्मल की इक्वेशन है। अब आपको पता है कि इक्वेशन 2 कहाँ से पास हो रही है ना, यानी कि एट द पॉइंट, इक्वेशन 2 एट द पॉइंट 0,0 पे निकाल दीजिए तो कितना आ जाएगा, 3x माइनस 2y दिया गया बराबर लेमडा, अगर हम इक्वेशन यहाँ पे x और y की जगह पे 0 रख दें तो कितना आ जाएगा, 0 माइनस 0 बराबर लेमडा, इट मीन्स लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, 0। इसका मतलब हमारी इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी, यही तो नॉर्मल की इक्वेशन है, रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3x माइनस 2y इक्वल टू 0, इट मीन्स 3x बराबर कितना, 2y, 3x बराबर 2y हो जाएगा, ठीक है, 3x बराबर कितना हो जाएगा, 2y। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, 3x बराबर 2y, सी वाला ऑप्शन 118 में सही हो जाएगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 119, आगे चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं, कह रहा था फोकस ऑफ द पैराबोला, ये हो जाएगा हमारे पास 4y² माइनस का 4y, बाकी को सबको उधर भेज दिया जाए, 5 + 6x हो जाएगा। एक काम करेंगे, यहाँ से हम 4 कॉमन लेंगे, ठीक है, 4 लेते हैं कॉमन, ले लिया जाए 4 कॉमन, ये कितना आ जाएगा, y² माइनस का y आ जाएगा। अब इसे पूर्ण वर्ग बनाना है, देखिए 2ab अगर हम देखें, y भाई a की जगह पे तो y है, 2 की जगह पे 2 नहीं वही दिख रहा है, तो 2 मतलब कटा होगा, किससे कटा होगा, 1/2 से, यानी कि 2ab बराबर क्या होता, पूर्ण वर्ग बनाना, 2ab बराबर हो जाएगा हमारे पास कितना, माइनस y दिया गया, सिर्फ a की जगह पे y रख दिया जाए, ab बराबर y, तो y काट दिया जाए, b बराबर कितना आ जाएगा, 1/2, मतलब कि इसमें क्या किया जाए, b² जोड़ा जाए, b² घटाया जाए, मतलब कि 1/4 जोड़ा जाए और 1/4 घटाया जाए, बराबर में कितना आ जाएगा, 5 + 6x, ठीक है, इस 4 को चुपचाप गुणा में रहने दिया जाए। देखो ये यहाँ तक का जो मिला के होगा वो बन जाएगा कितना, y माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर और ये माइनस का 1 आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा कितना, 6x + 5, ठीक है, ये हो जाएगा 4 × y माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा 6x + 6, ये एक उधर जाके जुड़ेगा, है ना, और आपको ये आ जाएगा वाई माइनस का 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, भाई यहाँ से आप 6 ले लें कॉमन, बटे आएगा 4 में, ये आएगा x + 1 और ये आ जाएगा 3/2 × x + 1 और ये आ जाएगा वाई माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम छोटा सा काम ये करेंगे कि इसकी जगह पे वाई मानेंगे और इसकी जगह पे एक्स मानेंगे, अब ये हमारे पास बन जाएगा वाई स्क्वायर बराबर कितना, 3/2 कैपिटल एक्स, है ना, तो 4a बराबर कितना आ जाएगा, 3/2, a बराबर कितना आ जाएगा, 3/8। अच्छा अब फोकस क्या हो जाएगा इसका, फोकस नाभि, इसका जो फोकस होता है वो क्या होता है, 1,0, है ना, 1,0 का मतलब 3/8,0, लेकिन मामला अभी ये इस वाली इक्वेशन के लिए आया है, इस वाली, हमें पहली वाली का निकालना है, तो जहाँ x है वहाँ पे क्या रखेंगे, वो हो जाएगा x + 1 बराबर 3/8 और दूसरा जहाँ पे y है y माइनस 1/2 बराबर 0 के लेंगे, तो ये आ जाएगा x बराबर कितना, माइनस का 5/8 और इधर आ जाएगा y बराबर 1/2। 119 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 119 में a ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 120, क्वेश्चन नंबर 120 कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट टू द, हमें क्या करना है, इसकी टेंजेंट निकालो, पहले तो इसकी टेंजेंट ले लो, टेंजेंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, भाई 4a बराबर 8, a बराबर 2 आ गया, तो इसकी जो टेंजेंट होगी वो क्या होती है, y बराबर mx + a/m, a की जगह पे 2 है तो 2/m हो जाएगा। अच्छा दूसरा क्या है, ये जो हमारी टेंजेंट है ये सेटिस्फाइड करेगी, चूंकि कॉमन है वो इसको सेटिस्फाइड करेगी, है ना, तो हम कह सकते हैं कि मस्ट बी सेटिस्फाइड,
सेटिस्फाइड, किसको सेटिस्फाइड करवा रहे हैं, एक्स वाई बराबर माइनस वन। चलिए x को चुपचाप रखा जाए, y की जगह पे हम रख सकते हैं, क्या हो जाएगा ये एम एक्स प्लस दो बटे एम इज इक्वल टू माइनस का वन। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम एक्स स्क्वायर प्लस में दो बटे एम एक्स और आ जाएगा प्लस का वन इक्वल टू जीरो। अब देखिएगा हमें क्या कह रहा है कि ये कॉमन टेंजेंट है, तो इसका होगा क्या यहाँ पे, सिंस यहाँ पे होगा क्या, सिंस जो हमारे पास इसका डिस्क्रिमिनेंट होगा वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा इसका, जीरो हो जाएगा। जीरो के बराबर लेके चलेंगे इसका डिस्क्रिमिनेंट को, है ना, और ये इक्वल रूट्स रखेगा। क्या रखेगा, ये इक्वल रूट्स रखेगा। अगर रूट्स अगर इसके इक्वल हैं तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस फोर डी, डी इक्वल टू जीरो, यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी इक्वल टू जीरो, है ना, सिंस इट हैज इक्वल रूट्स। अब देखिएगा बी स्क्वायर तो ये हो जाएगा चार बट्टे एम स्क्वायर माइनस फोर ए का मान है एम और इसका मान है सी की जगह पे है वन, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा इक्वल टू हो जाएगा जीरो, भाई एम एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा कितना, चार लेके कॉमन छोड़ दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा एम क्यूब बराबर वन। इट मीन्स यहाँ पे हमें मिलने वाला है कितना, एम बराबर वन। जैसे ही एम बराबर वन मिल जाएगा तो उठा के हम रखेंगे तो ये हमारी लाइन मिल जाएगी हमको कितना, वाई इज इक्वल टू वन इंटू एक्स प्लस टू बटे वन, यानी कि वाई इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, एक्स प्लस टू, है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, डी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21, कह रहा है द मोमेंट ऑफ द फोर्स एफ पासिंग थ्रू द पॉइंट। चलिए ये यहां पे फोर्स एफ है, ठीक है, और यहां पे एक पॉइंट है पी, यहां से पास हो रही है, चलिए ए पॉइंट है, कितना हो जाएगा ये वन माइनस वन और टू, ठीक है, और इसके थ्रू हमको निकालना है। मान लीजिए पॉइंट हमारा है, इस पॉइंट का बी नाम दे दो, बी, ठीक है, जहाँ से भाई क्या कह रहा है कि द फोर्स ऑफ पासिंग थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से पास हो रहा है और इसके थ्रू निकालना है हमको जीरो कॉमा टू, जहाँ से पास हो रहा है फोर्स को वहाँ से पास करवा दिया करिए, है ना। अब आर निकाल लो, वेक्टर आर बराबर क्या होगा, ए बी, ए बी मतलब ए से बी, है ना, तो ये हमको निकालना है, ए बी निकालना, तो बी माइनस ए वन माइनस टू, तो ये माइनस का आई आ जाएगा, ठीक है, फिर माइनस वन और ये माइनस का जे हो जाएगा, फिर कितना टू माइनस टू खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी क्या गया, माइनस का आई माइनस का जे, माइनस का आई माइनस का जे, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, टाउ निकालना है, टाउ इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस एफ रखा जाए आई जे के, आर कितना है माइनस वन, जे कितना है माइनस वन, के कितना है जीरो, एफ आ जाओ फोर्स के पास तीन और ये दो, ये माइनस का चार इक्वल टू आई इंटू, ये छूटेगा छूटेगा माइनस का चार, यानी कि वो माइनस माइनस प्लस का चार हो जाएगा, माइनस का जे इंटू, ये छूट जाएगा चार आ जाएगा प्लस के इंटू, ये छूटेगा कितना हो जाएगा, माइनस का दो प्लस का तीन, यानी कि एक ही आएगा, के आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कितना आ गया ये चार आई माइनस चार जे प्लस का के, चार आई माइनस चार जे प्लस का के, 121 में बी ऑप्शन जो है इसका वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 122 देखेंगे, ओ ए दिया है, ओ बी दिया है, देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी, तो देखिएगा दो भुजाएं हमको दी गई हैं, आपको पता है कि कोई भी अगर आपको दो एडिशन साइड दे दी जाएँ, दो आसन्न भुजाएँ दे दी जाएँ, तो आप उस ट्राइंगल का एरिया आराम से निकाल सकते हो, ओ ए और ये ओ बी, है ना, ओ ए हमको दिया गया है कितना, ये दिया गया आई माइनस जे प्लस के, वो भी कितना दिया गया जे प्लस के, ठीक है। हमें यहाँ से सबसे पहला काम क्या करना है, ओ ए क्रॉस ओ बी निकालना है, ओ ए क्रॉस ओ बी निकालना, मान लो इसको आप निकाल दीजिए कोई दिक्कत नहीं, कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आई जे के, ओ ए कितना हो जाएगा ये वन माइनस वन
वन हो जाएगा, और यहाँ पे ये जीरो है, ये वन है, ये भी वन है। कैलकुलेट करते हैं इसको, आई इंटू ये छूटेगा, ये छूटेगा, कितना जाएगा, माइनस का वन, माइनस वन, माइनस का टू, माइनस का जे, ये छूट जाएगा, ये छूटेगा, तो कितना जाएगा वन, प्लस के, ये छूटेगा, कितना जाएगा वन, यानी कि कैलकुलेट करने पे आया माइनस का दो आई, माइनस का जे कैप लगाना चाहिए सब में, प्लस के, है ना। ये आ गया हमारा, मान लो ये है ए और ये है बी, तो ए क्रॉस बी, और अगर आपको एरिया निकालना है तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक बट्टे दो मॉडुलस के अंदर ए क्रॉस बी, कितना आया अब ये, एक बट्टे दो मॉड ले आओ इसका, कितना जाएगा चार प्लस एक प्लस एक, अंडर रूट छः बटा दो, अंडर रूट छः बटा दो, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 122 का। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 123। कह रहे कि ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर। अब देखिए, कोई भी अगर यूनिट वेक्टर होता है तो हमको पता है कि जो उसका मापांक होता है ना, वो कितना होता है, वन होता है, ठीक है। यूनिट वेक्टर है तो उसका मापांक कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, और एक बात उसने दे दी है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर है ये किसके, कॉस थीटा के, कॉस थीटा के। हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, वैल्यू निकालनी है मॉडुलस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू का होल स्क्वायर कर दिया जाए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आ गया, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी भाई, वन प्लस वन प्लस टू, ए डॉट बी की जगह पे हमको क्या रखना है, कॉस थीटा रखना है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टू प्लस टू कॉस थीटा। एक काम करें, टू को कर लें बाहर तो आ जाएगा वन प्लस कॉस थीटा, वन प्लस कॉस थीटा को तोड़ देंगे तो आ जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, और ये किसके बराबर है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के होल स्क्वायर के, दोनों तरफ वर्गमूल ले लिया जाए तो ये आ जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड इक्वल टू आ जाएगा इधर भाई, दो से चार आएगा तो चार से दो आ जाएगा, और ये आ जाएगा कॉस थीटा बाई टू, टू कॉस थीटा बाई टू, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 123 का जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 124 में कह रहा है कि यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। इसके हमें निकालना है, हमको पता है कि जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, वेक्टर बटे वेक्टर का मापांक, वेक्टर बटे वेक्टर का मापांक। तो वेक्टर कितना हो जाएगा, आई माइनस का टू जे प्लस का तीन के डिवाइडेड बाई अंडर रूट वन प्लस चार प्लस नौ, कितना आ जाएगा, आई माइनस का टू जे प्लस का तीन के डिवाइडेड बाई चौदह, अंडर रूट चौदह, है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन 124 में करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 125। कह रहा है ए बी सी डी बी या पेंटागॉन। कह रहा है कि एक पंचभुज है, पेंटागॉन है, बनाते हैं भाई पेंटागॉन। ए बी सी डी हमारे पास एक पेंटागॉन है, ठीक है। ये एक पेंटागॉन है, नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई, ठीक है। अच्छा, ए टू बी, ए बी, बी सी और सी डी, सी डी, ठीक है। अब इनको मिला लिया जाए, ठीक है। ए से बी, बी से सी का मतलब क्या है, ए से सी होगा, है ना, ठीक है। अब देखो ये दोनों हो गया, ये डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन अगेंस्ट हो जाएगी ए डी की, मिला लिया जाए, ए डी को भी काम आएगा, इसकी अगेंस्ट हो जाएगी, ए डी हो गया, ठीक है। ए डी के अगेंस्ट है तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये होगा हमारा, ये दिशा हो जाएगी और इसकी दिशा हो जाएगी ए सी, ए से सी, ये वाली, ये और ये अगेंस्ट हो गई, ठीक है। अब देखिएगा हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए बी, ए बी प्लस, हम बी सी को इसके साथ ला रहे हैं, बी सी प्लस, ए बी और बी सी को हमने एक साथ कर लिया, ए ई और ई डी, ए ई, ए ई और ई डी को एक साथ ले लो,
वेक्टर ए डी, ए ई प्लस वेक्टर ई डी इक्वल टू, और क्या बचा, ये ई ई और ई डी एक साथ कर लिया ना हमने, प्लस सी डी, और प्लस में है ए सी। ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी किसके बराबर है, ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर हो जाएगी, तो इसकी जगह पे ए सी रख दिया जाए, ए सी। ए ई प्लस ई डी, ए ई प्लस ई डी ए डी के बराबर है, किसके बराबर है, ए डी। ठीक है, समझना है कहानी को, समझना बहुत आसान है ये। ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर हो गया, और ये कितना हो गया, ए डी के बराबर हो गया। सी डी और डी सी को भी हमने चुपचाप रख लिया, ए सी को भी चुपचाप रख दिया। ये वाला जो ए सी है, इस वाले ए सी के साथ मिलके दो ए सी बन जाएंगे, दो वेक्टर ए सी प्लस। अब आते हैं ए डी के पास, ए डी, देखो हम ए डी को क्या लिख सकते हैं, ए डी को ए सी प्लस सी डी, ए डी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर ए सी प्लस सी डी, और ये डी सी पहले से है हमारे पास। इस वाले डी सी को हम लिख सकते हैं क्या, माइनस बना देना, माइनस डायरेक्शन चेंज कर दो, डी सी को सी डी कर दीजिए, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, टू ए सी और एक ए सी मिला के कितने हो जाएंगे, थ्री वेक्टर ए सी, है ना। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 125 का जो ए ऑप्शन होगा करेक्ट होगा। इस तरह से आज हमने ए टी एस 11 को कंप्लीट कर लिया। ये क्लास आपको कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, फीडबैक क्लास का ज़रूर दिया करिए, ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होता है हमारे लिए, और कार्य करने के लिए एक नई ऊर्जा देता है। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।